अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हाँ जी यार, आज है मेरे कज़न की मायूं मेहंदी, तो मसरूफियात आपको भी दिखाते हैं। तो चलें बने रहें फिर यार। पहले तो मैं अभी जा रहा हूँ बिरयानी लेने, तो वो खाने के बाद दरअसल जो है कल है मेरे भाई का एग्ज़ाम इस्लामियात का। अब वो नहीं जाएगा, वो और बाबा होंगे अकेले घर पर। हम यहाँ से जा रहे हैं खाला के घर, क्या हम लोगों को रुकना अभी पड़ेगा वहाँ। मम्मा लोग तो फिर आ जाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पर वनीमे तक हूँ। तो अभी ये है कि भाई का वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसका पेपर है। तो अभी वो भाई जो है हमारे शयान भाई, वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे डबल, और हम लोग जो हैं जा रहे हैं। तो अभी जो मैं खाना फिलहाल ले आऊँ, और उसके बाद हो सकता है फिर सैलून जाऊँ, थोड़ी सी कटिंग सेट कराऊँ, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम खाने। हाँ जी यार, अभी मैं जा रहा था बिरयानी लेने। तो ये देखें भाई, और हाँ इसे इग्नोर कराइएगा, ये पाकिस्तानी जुगाड़ है। ये मेरी जो वॉच है इसका स्ट्रैप भी ख़राब हो गया है, और जो है थोड़ा अभी इसके भी स्ट्रैप्स लगवाते हैं, इसका भी काम करवाते हैं। मैं अपनी इतनी पसंदीदा वॉच लेकर ऐसे फेंकी भी थी, नज़र आई तो मैंने कहा ऐसे भी रिपेयर करा दूँ। और मेन टॉपिक पर आते हैं, ये देखें शहज़ादी कितनी गंदी हो रही है भाई। बाइक लवर्स तो जानते हैं कि बाइक्स को वो कैसे रखते हैं यार। इसे वॉश कराने का टाइम है भी नहीं, और ये है मेरे पापा की पसंदीदा गाड़ी, और ये है मेरे लिए। दिस इज़ कॉल्ड बॉयज नोज एज वेल, दिस इज़ कॉल्ड शपाटर। चलते हैं इसी शपाटर में खाना लेने। हाँ जी, पहले आ गया था मैं वॉच रिपेयर करवाने, वॉच रिपेयर हो जाती है तो फिर चलते हैं बिरयानी लेने फिर घर। वॉच भी हो गई है प्रॉपरली रेडी, तब लेकर चलते हैं। तो वहाँ से डायरेक्ट ही मैं आ गया था बिरयानी लेने। जी यार, आ गया था मैं बिरयानी लेकर, वॉच भी सही करा लिया, चार्ज पे लगाई हुई। अभी मैं जा रहा हूँ हमजा भाई के पास, अब देखते हैं वहाँ रश होता है कि नहीं। थोड़ा जो है जब जैसा रंग है वैसा ही रहना है, लेकिन थोड़ा साफ करवा लेते हैं इसे, जैसे कि बियर्ड जो है। अच्छा, क्या करना है, कटिंग देखूंगा नहीं तो बाकी ये देखूंगा। बियर्ड तो नहीं कटवानी, लेकिन सिर्फ क्या है ये जो प्रॉपर हेयर है क्लीनिंग थोड़ी सी, तो सुनते हैं फिर अभी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर जी आप? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सही टाइम पर आया हूँ, मतलब मैं बिल्कुल सही टाइम पर, ऑसम टाइम पे। तो फिर शुरू करें चले जी। तो सर जी क्या करना है कि आपको पता है क्या कराता हूँ, बेड थोड़ी सही करा लेता हूँ और ऑयलिंग करनी है सर। तो माशाल्लाह आप वही एज यूजुअल अच्छे लग रहे ठीक है हमजा भाई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाक अल्लाह। ठीक है, इजाज़त है फिर? ठीक हो गया भाई, ठीक इंशाल्लाह। वहाँ से भी मैं आ रहा हूँ, मम्मा तो कर रही थी बहुत गुस्सा, 3 बजे जाना था, 4 बजे 4:30 हो गए जी यार। वहाँ से आने के बाद जो है हो गया था, सैलून से आने के बाद हो गया था, बहुत लेट जाना था हमने, 3 बजे यहीं तक पहुँचना था। लेकिन जब हम पहुँचे थे तब टाइम हो रहा था तकरीबन, जब मैं उधर घर पहुँचा था 4:30, और जब इधर पहुँचे तो मगरिब हो रही थी, तो हो गए थे बहुत ज़्यादा ही लेट। तो अभी जो है यहाँ पहुँच गए, अभी तैयार ही हो रहा था, अभी याद है कि आप लोग को ही बता दूँ। तो जो है हम पहुँच गए, फिर अभी अटेंड करते हैं इवेंट। ठीक है जी, तो बता सकते हैं आप कैसा लग रहा हूँ मैं? बाइक तो हो रही थी काफ़ी गंदी, धुलवा तो मैं सका नहीं, तो फिर खाला के घर पे ही मैंने इसे साफ़ किया था। तो अब चलते हैं यार, आ गए हैं हम
फार्म हाउस बुक कराया हुआ था। फार्म हाउस के अंदर हम लोगों ने अरेंजमेंट जो की है माइयों मेहंदी, तो अभी जो माशाल्लाह बहुत ही औसम जो है ना, बहुत औसम सेटअप किया कि अगर आप यहाँ होते तो आप बोलते यार सच्ची में सेटअप, दिल खुश हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत इंजॉय किया। वहाँ पर मैं इसलिए नहीं जा रहा उस तरफ क्योंकि जो है वहाँ पर सॉन्ग भी अभी बंद हुए सॉन्ग चल रहे थे, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं चल गया। तो बाकी आप लोगों को माशाल्लाह कवाली नाइट होगी हमारे यहाँ, तो आप लोग फुल इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा आप लोग। और लगे हुए हैं तो अभी जो है साल लोग ये बता देता हूँ, अभी जो है इन फंक्शन स्टार्ट होने वाला है जो चलेगा वॉइस के बीच में, वो मैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप क्या खा रहे हैं? ये आप ही ने दिया, पता नहीं क्या है, खुद ही देखो क्या है, अब बताओ क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज खीर। ले तू खा तीर। यार आप सबको जैसे क्या बताया, भाई का जो है फंक्शन है तो फिर जो है इतना टाइम भी नहीं मिल रहा सबके बीच में कि मैं कैमरा बार बार निकालूँ, तो बस यही बता दे, खाना वाना हो गया, अभी जो है डांस परफॉर्मेंस होगी।
हमारा इवेंट भी हो गया बिल्कुल माशाल्लाह एंड। आज माइयों मेहंदी में बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो अभी हम आए हुए हैं शारह फैसल, डलवा रहे हैं लोग पेट्रोल, ऐसे ही आए थे, चलेंगे घर। इवेंट भी हो गया अच्छे से फ्री, तो जो है रात के बज रहे हैं 4:30। तो अभी मैं यहीं पर अपना ब्लॉग करता हूँ आज का एंड। उम्मीद है आप लोगों को इन्जॉय किया होगा, आप लोगों ने, हमने भी बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करें, ठीक है जी, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।